वेलकम टू माई शो मवरी गुरु। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम 4 मंथ डिले हो चुका है। दैट मीन्स कि आपको 4 मंथ का टाइम एक्स्ट्रा मिला हुआ है नीट की प्रिपरेशन के लिए। दैट इज़ गुड, आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, केवल पैंडेमिक के चक्कर में हैं कि पैंडेमिक की वजह से और डिले हो जाए एग्ज़ाम या नहीं होगा, इस तरह के बातें अगर आप दिमाग में सोच कर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि और टाइम मिलेगा हमें उसमें प्रिपरेशन कर लेंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी? 4 मंथ का टाइम मिला हुआ है, लेकिन उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं आपको आगे आने वाले टाइम में, उसी के बारे में बात करेंगे। क्या नीट का कट ऑफ बढ़ जाएगा और स्टेट का कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस पे क्या कैंडिडेट्स के प्रभाव पड़ेगा, ये सब बातें मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, 4 मंथ का टाइम नीट या जेई कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके प्रिपरेशन का टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के बीच में आपको एग्ज़ाम की डेट अनाउंस की जाती है। क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो 4 मंथ डिले हो चुका है, मीन्स बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो 12th अपेयरिंग एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए जो नीट की प्रिपरेशन का टाइम होता है बहुत कम होता है। लेकिन इस बार उनको भी टाइम अच्छा मिला हुआ है, तो वो भी आपके अच्छे खासे कॉम्पिटिटर इस बार हो सकते हैं। मीन्स 12th अपेयरिंग कैंडिडेट्स को नॉर्मली कम टाइम मिलता था प्रिपरेशन के लिए, इस बार उनको 4 मंथ या 5 मंथ एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो इसकी वजह से वो कॉम्पिटिटर होंगे। साथ ही साथ जो ड्रॉपर्स होंगे वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, जो बीएससी अपेयरिंग होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो कॉम्पिटिटिव में होंगे। तो ये मान के चलिए कि नीट का जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है वो इस बार और भी बढ़ सकता है, 600+ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के होते हैं उनका कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। मीन्स बहुत सारे ऐसे स्टेट जहाँ के कैंडिडेट्स, जहाँ पे पैंडमिक का प्रभाव ज़्यादा होगा, वो कैंडिडेट्स चॉइस फिलिंग में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उन स्टेट को चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पैंडमिक का प्रभाव कम है। क्योंकि स्टडी भी एक जरिया है, मीन्स आपको आप अपनी सेफ्टी भी पहले महसूस करते हैं, उसके बाद फिर आप देखते हैं। तो फिर ऑल इंडिया कोटा का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ स्टेट कोटा की अगर मैं बात करूँ, जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनकी तो मजबूरी रहेगी कि वो स्टेट में ही सीटें लें, तो इसका जो कट ऑफ है वो नॉर्मली उतना ही जा सकता है जितना मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ में तो डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, एम्स का कट ऑफ भी थोड़ा बढ़ सकता है। और ये मान के चलिए कि जो स्टूडेंट, जो एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद कॉलेज चॉइस फीलिंग की बात आएगी, तो स्टूडेंट की कॉलेज चॉइस फीलिंग भी चेंज हो सकती है, उनका प्रेफरेंस ऑर्डर भी चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, जो प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन को अच्छी तरह से नहीं करेंगे या फिर आप पेंडेमिक के चक्कर में रहेंगे कि पेंडेमिक की वजह से और डिले होगा या एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। और इस हाई कंपटीशन में अगर आपको खुद को सरवाइव करना है तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी होगी। दोस्तों, ये मान के चलिए कि अच्छा खासा मेहनत, अगर अभी भी टाइम है आपके पास, अगर प्रिपरेशन में लापरवाही कर रहे हैं तो मत करिए बिल्कुल। एग्ज़ाम, ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा, पॉजिटिव रहिए। वो होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम होगा ये पॉसिबिलिटी रख के आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका होना ही है, तो इस तरह से प्रिपरेशन आप स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं की अभी, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।